ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد روي عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام إن في القائم سنن من أنبياء الله صدق إمامنا الكريم درود پڑھیں محمد وآل محمد محمد اذان محترم نوجوانان بزرگانان عزاداران سید الشہداء سلام علیکم ورحمۃ اللہ پروردگار کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اس عظیم نعمت پر کہ اس نے ہمیں آل محمد کا چاہنے والا قرار دیا ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہو جانے والا بنایا اذان محترم عنوان گفتگو انبیاء کی سنتیں اور آخری امام گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے قائم کی غیبت بہت طویل ہوگی راوی نے سوال کیا اے فرزند رسول سبب کیا ہے میں کل عرض کر چکا ہوں آج فقط دہرا رہا ہوں ابتداءً تمہیداً مولا نے اس سوال کے جواب میں غیبت کی کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت اسے بتائی مولا غیبت طویل کیوں ہوگی فرمایا ان اللہ عز وجل ابا الا ان یجری فیہ سنن الانبیاء فی غیباتہم خدا نے فیصلہ یہ کر لیا کہ ہمارے قائم میں تمام انبیاء کی غیبتوں کی مدتوں کو جمع کر دے گا اور کیوں ایسا ہوگا کیونکہ یہ تمام انبیاء کے وارث ہیں کل یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اس سے کیا نتیجے نکلتے ہیں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا انشاءاللہ کہ اذان عالیہ میں محفوظ ہوں گے سب سے پہلا اور اہم نتیجہ جو اس حدیث سے ہم نے اخذ کیا تھا کہ نہ ہمیں 1,24,000 انبیاء کی معلومات ہے کہ کون کون انبیاء تھے کیا ان کے اسماء گرامی تھے کیا ان کی حیات طیبہ تھی اور ان انبیاء میں سے 1,24,000 میں سے کتنوں کو غیبت نصیب ہوئی یہ بھی ہمیں نہیں معلوم پھر جنہیں غیبت ملی ان کی غیبت کی مدت کتنی تھی وقت کتنا تھا یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے
तो जब इन तमाम अंबिया की गैबतों की मुद्दतें कि जो हमें मालूम नहीं है वो सब की सब हजरत कायम को गुजारनी है, तो इमाम के जहूर का वक्त किसी को कैसे मालूम हो सकता है? ये पहला नतीजा था। दूसरा नतीजा क्या था कि गैबत बहुत तवील है। तमाम अंबिया की गैबतों की मुद्दतें मेरे वक्त के इमाम की गैबत में जमा होनी है। इमाम ने बता दिया, खुदा का इरादा, उसका अटल फैसला। यहाँ सवाल ये उठता था, कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि अगर इमाम बता रहे हैं कि अंबिया की तमाम गैबतों की सारी मुद्दतें, नहीं मालूम कितनी तवील हो, वो सब की सब वक्त के इमाम की गैबत में जमा होगी, इमाम उस वक्त तक जहूर नहीं फरमाएंगे जब तक तमाम अंबिया की गैबत के बराबर मुद्दत और अरसा न गुजार लें। एक तरफ इमाम ने हमें ये बताया, दूसरी तरफ खुद आइम्मा ने हमें ज़हूर हजरत कायम में ताजील के लिए दुआ करने का हुक्म दिया। तवज्जो कर रहे हैं, कल इस सवाल पर बात को रोका था कि अगर गैबत इतनी तवील है तो हमें ज़हूर में जल्दी की दुआ करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? और फ़कत एक दो हदीस नहीं है इस बात पर, पूरे अबवाब उलमा ने कायम किए, ताजील फ़रज की दुआ का हुक्म, ज़हूर जल्दी होने की दुआ का हुक्म। एक तरफ बता रहे हैं कि गैबत तवील है, दूसरी तरफ चाहने वालों को हुक्म दे रहे हैं कि ज़हूर में जल्दी करने की दुआ करो। फ़कत आइम्मा नहीं, 1400 बरस से उलमा की ये सीरत और तरीक़ेकार रहा है कि मोमिनीन को ये हुक्म देते हैं, नसीहत करते हैं कि ज़हूर में जल्दी के लिए दुआ करें, ज़हूर में जल्दी के लिए गिड़गिड़ाएँ, खुदा से तजर्रो आहुजारी करें, ताजील फ़रज की दुआ करें। इससे पहले के सवाल के जवाब पे आऊँ, मोमिनीन की खिदमत में इस ताजील फ़रज की दुआ का एक सवाब पेश करना चाहता हूँ। किस कदर उलमा ने ताकीद की है, किस बात पर कि गैबत इमाम में ज़हूर में जल्दी होने की दुआ की जाए। एक वाकया, एक अहम बात कि जिससे हमें इस दुआ की अहमियत और इसके अजीम अजर व सवाब का अंदाज़ा हो सके, फिर इस सवाल के जवाब पर आऊँगा। अगर तवज्जोहात मेरे साथ हैं तो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर एक दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुन रखा है, शियात के हर हर नौजवान को ये नाम याद होना चाहिए। और इस हस्ती ने, इस बुजुर्ग आलिम ने क्या काम अंजाम दिया, हमारे बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह कौन के, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अली के इश्क में गुजार दी। दावेदार तो सब होते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देना अली के इश्क का बहुत आसान है, अच्छी बात है, इनकार नहीं कर रहा। व्हाट्सएप पर अली वलीउल्लाह का स्टेटस लगाकर अपने इश्क की दलील करार दे देना आसान है, मगर सारी जिंदगी अली के इश्क में अली वलीउल्लाह की दलीलें जमा करने में गुजार देना, ये इश्के अली की मेराज है। अल्लामा अमीनी ने यही काम किया। मेरे नौजवान दोस्त बच्चे, अली से इश्क के दावेदार हैं यकीनन, ये इश्क बड़ा कीमती है, ये इश्क बहुत कुछ मांगता है। ज़रा देखिए इस बुज़ुर्ग आलिम ने क्या किया, क्या किया अल्लामा अमीनी ने, सारी ज़िंदगी जहाँ कई अल्लामा को ये पता चल जाता, कहीं से ये खबर मिल जाती, किसी से ये सुन लेते कि फ़लाँ मुल्क की फ़लाँ लाइब्रेरी में फ़लाँ इस्लामी इस्कॉलर की एक किताब रखी है जिस किताब में रोज़े गदीर पर एक दलील है, एक सनद है हदीस गदीर की। अल्लामा यमीनी सब कुछ छोड़कर वहाँ का सफ़र करते, ये आज का सफ़र नहीं है, उस ज़माने का सफ़र के जहाँ उर्दू का सफ़र इंग्लिश का सफ़र भी होता था। अल्लामा अमीनी सफ़र करके जाते दूर दराज के इलाकों में, क्यों जाते, अली की विलायत पर फ़कत एक दलील मिल रही है, फ़कत हदीस गदीर पर एक नया सिलसिला सनद।
तवज्जो कर रहे हैं, कहाँ कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ का सफ़र अल्लामा अमीनी ने ना किया हो। हिंद भी तशरीफ़ लाए, यूरोप गए, इंग्लिस्तान गए, हर हर जगह जहाँ पता कोई बता देता फला किताब है। ये वो दौर नहीं था कि जब इंटरनेट पे सारी किताबें मिल जाएं, एक एक किताब को तलाश करने के लिए सफ़र करना पड़ता था। तवज्जो कर रहे, ये अल्लामा अमीनी क्या किया, सारी ज़िंदगी अली की विलायत को साबित करने में गुजार दी और नतीजे में एक इंतहाई बराबर दरख्त हमारे सामने दिया। क्या दिया? मौसुआ अल-गदीर, अल-गदीर इंसाइक्लोपीडिया, नौ जिल्दी किताब। कि अब इस किताब में अल्लामा अमीनी ने वाक़िए गदीर और हदीसे गदीर पर इतनी दलीलें और इतनी सनदें नकल कर दी कि अब क़यामत तक कोई ये नहीं कह सकता कि गदीर जैसा कुछ नहीं था। अल्लामा अमीनी ने इतनी दलीलें पेश कर दी, दलीलों के अंबार लगा दिए, हर फिरके की किताब से, हर मसलक के आलिम का कौल सब कुछ लिख दिया। गुज़िश्ता हाजिर के अरब शुअरा के जिन्होंने वाक़िए गदीर को अपने शेर में जिक्र किया, सब कुछ किताब में जमा कर दिया कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि गदीर जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तवज्जो कर रहे हैं, अब जब आकर बहस करते हैं तो क्या कहते हैं कि मौला का मतलब ये नहीं वो है, कोई ये नहीं कह सकता कि रसूल ने ऐसा कुछ फरमाया नहीं था। तवज्जो कर रहे हैं, ये अल्लामा अमीनी, मेरा मौजू क्या है, ज़हूर में ताजील की दुआ का सवाब। तवज्जो है, ये अल्लामा अमीनी अली का ऐसा आशिक, सारी ज़िंदगी फ़कत कहाँ नहीं, फ़कत इश्क अली का दावा नहीं था, सारी ज़िंदगी इश्क अली में लगा दी। कौन अमीनी? एक दो वाक़यात पेश करूँगा मुख्तसर से ताकि मेरे नौजवान दोस्त महसूस कर सकें इश्क अली की मेराज क्या होती है, ये इश्क इंसान से क्या क्या मांगता है, इस इश्क के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यकीनन दर्जे हैं, रुतबे हैं, लेकिन इंसान को कभी अपने रुतबे पर खुश नहीं होना चाहिए, कभी मोहब्बत अहले बैत में अपने मरहले और मरतबे और दर्जे से मुतमईन नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा अगले दर्जे की तरफ देखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कौन अमीनी? एक रोज़ नजफ़ अशरफ में कोई हाजत, कोई दुनियावी ज़ाती मुश्किल, जब अली के चाहने वाले को कोई मुश्किल आती है तो कहाँ जाता है, मुश्किल कुशा के दर पे आ जाता है। अल्लामा अमीनी नजफ़ अशरफ में ज़रीह अमीरुल मोमिनीन के सिहाने आकर बैठ गए। खुदा हम सबको उस मुकद्दस मकाम की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए। मौला से तवस्सुल कर रहे हैं, खुदा से दुआ कर रहे हैं, अपनी हाजत रख रहे हैं, दुनियावी हाजत है अमीनी को, दुआ की गिड़गिड़ाए, रोए, हाजत पूरी नहीं हुई। एक दिन गुजरा, लौट गए अपने घर, अगले दिन दोबारा मौला ही के दर पर आ गए, दोबारा हाजत तलब की, मांगा नहीं मिला, दोबारा लौट गए, मुश्किल हल नहीं हो रही। तीसरे दिन फिर आ गए, इश्क़ अली क्या होता है देखिएगा, तीसरे दिन दोबारा आ गए, तवस्सुल कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, हाजत पेश कर रहे हैं, कि अचानक एक मंज़र देखा कि एक बादिया नशीन अरब, एक सहराई अरब, सहरा और देहात में रहने वाला एक अरब शख्स लंगड़ा कर चलता हुआ जरी वाले हुजरे में दाखिल हुआ। जो लोग ज्यारत पर जा चुके हैं वो जानते हैं कि ये जो ज्यारत के अदब आदाब होते हैं, ये आम तौर पर बासकाफ़त लोग इनका ख्याल रखते हैं, वो जो अराबी आता है, वो जो बादिया नशीन, वो जो सहराई अरब आता है, उसका ज्यारत करने का, मौला को मुखातिब करने का अपना एक तरीक़ा और अंदाज़ होता है, उसकी अपनी एक बेतकल्लुफ़ी होती है। तो अल्लामा अमीनी देखते हैं कि एक अरब सहरा से लंगड़ा कर चलता हुआ मौला के ज़री के हुजरे में दाखिल हुआ और बड़ी तमकनत से ज़री के पास आया, ज़री अक़दस को थामा और ज़ोर से झंझोड़ा और आवाज़ देकर कहने लगा, या अली, मेरी टांग जख्मी है, मैं किसी तबीब के पास अब तक नहीं गया हूँ, अगर मुझे आपके दर से शिफा नहीं मिली तो मैं किसी तबीब के पास चला जाऊँगा, दोबारा नहीं आऊँगा। अल्लामा अमीनी ने अपनी हाजत, अपने तवस्सुल को रोका, उसकी तरफ देखने लगे,
अगर मैं और आप होते तो क्या सोचते कि इसे तो मौला से बात करने का अदब भी नहीं है। अल्लामा अमीनी बयान करते हैं कुछ देर वो शख्स वहाँ बैठा रहा, जब कुछ देर बाद उठा है तो सही तरीके से चलता हुआ हरम से बाहर निकला। अल्लामा अमीनी ने जब ये मंजर देखा तो कहते हैं मेरा दिल टूट गया, आंखों से आंसू जारी हो गए, मौला मैं अमीनी के जिसने सारी जिंदगी आपके नाम पर लगा दी, आपकी विलायत की दलीलें जमा करने में गुजार दी, 3 दिन से अपनी छोटी सी हाजत मांग रहा हूँ, मौला मेरी हाजत पूरी नहीं होती। ये बादिया नशीन सहरा नशीन अरब आया, अपनी जबान में कह रहा हूँ, इसे बात करने की तमीज़ नहीं थी, आपने इसे फौरन दे दिया। कहते हैं मैं गिड़गिड़ा रहा था, इसी आलम में मुझ पर नींद का गलबा हुआ, ख्वाब में अमीर कायनात की ज़ियारत हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्म सल्ली अला ख्वाब में अमीर कायनात की ज़ियारत हो गई। कहते हैं मैंने अर्ज की, मौला मैं आपका चाहने वाला, आपका आशिक, आपकी विलायत को साबित कर देने में ज़िंदगी लगा दी, मेरी हाजत पूरी नहीं हो रही। वो बाहर का आदमी एक बार आता है, चंद लम्हे गुजारता है, आपके दर से लेकर जाता है। फरमाया अमीनी वो पराया था, अगर आज उसे न नवाजते तो कल हमारे दर पे ना आता। ए अमीनी तुम तो अपने हो, हमें मालूम है अगर आज न देंगे तो कल भी कहीं और नहीं जाओगे, हमारे दर पे आओगे, कल न देंगे तो परसों भी लौट कर हमारे दर पे आओगे। तवज्जो कर रहे हैं, ये अल्लामा अमीनी, वो मारूफ रिवायत भी है ना, जब एक मोमिन खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा होता है, दुआ कबूल नहीं होती, हाजत पूरी नहीं हो रही होती, इधर ये खुदा की रहमत से मायूस होना शुरू हो जाता है, न जाने मेरी क्या गलती है, न जाने मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही। उधर फरिश्ते खुदा से मुखातिब होकर कहते हैं, बारगाहे इज़्ज़ती में अर्ज़ करते हैं, खुदा ये तेरा मोमिन बंदा, ये तेरा फरमाबरदार बंदा, ऐ खुदा इसकी हाजत पूरी क्यों नहीं कर रहा, ये तुझसे गिड़गिड़ा कर मांग रहा है। आवाज़ कुदरत आती है, मुझे अपने इस बंदे का इस लहजे में मांगना बड़ा पसंद है। तवज्जो कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात अता न करना भी कुर्बत की वजह से होता है। अगर बात पहुँच गई, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो अल्लामा अमीनी रुतबा महसूस कर रहे हैं इस अजीम आलिम का। एक और छोटी सी बात, मुझे अपना नतीजा आपकी खिदमत में पेश करना है कि या अज्जल फरजहुम का कहने का या जहूर की जल्दी की दुआ करने का सवाब किस कदर ज़्यादा है। ये अल्लामा अमीनी जिनकी इस काविश और मेहनत की कदर आले मोहम्मद की बारगाह में ये थी कि जिस रोज़ अल्लामा अमीनी का विसाल हुआ, अल्लामा की वफ़ात हुई, नजफ़ अशरफ के एक बहुत जलीलुल क़द्र आलिम ने ख्वाब देखा और ख्वाब में देखा कि मैं मैदान महशर में हूँ, एक तवील कतार लगी हुई है, मैंने किसी से पूछा ये किस चीज़ की कतार है, जवाब दिया अली के चाहने वालों आशिकों की कतार है, और आगे हौज़े कौसर पर साकी कौसर सबको कौसर पिला रहे हैं। बुज़ुर्ग आलिम कहते हैं मैं भी कतार में लग गया, जब कतार आगे बढ़ी और मेरी बारी करीब थी तो मैंने मंजर देखा कि एक चाहने वाला आता है, अली हौज़े कौसर से एक कासे को भरते हैं और चाहने वाले को की तरफ बढ़ाते हैं, चाहने वाला अली के हाथों से कासा लेकर हौज़े कौसर से ख़ुद को सैराब करता है। खुदा हम सबको वो मंजर देखना नसीब करें। एक एक चाहने वाला बढ़ रहा है, मौला काशे से हौज़े कौसर से सैराब कर रहे हैं। ये बुज़ुर्ग आलिम कहते हैं मैंने देखा जब अमीनी करीब आए तो एक मरतबा अली ने बढ़ के अमीनी को गले से लगाया, ए अमीनी तुमने अलगदीर जैसा अजीम काम किया, सिला क्या मिला। वो आलिम कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा, हर शख्स आता था साकी कौसर हौज़े कौसर से कासे को जाम को भर के पेश करते थे, आगे बढ़ाते थे, लेकिन जब अमीनी की बारी आई तो मौला ने कासे को रख दिया। अल्लाहु अकबर, साकी कौसर ने अपने चुल्लुए मुबारक से कौसर को भरा और अमीनी के लबों से लगा दिया। तो क्या खूब शायर ने कहा, मैं बिला फसल का कायल हूँ।
मैं बिला फसल का कायल हूं सो हौजे कौसर उनके चुल्लू से पीऊंगा वही प्याला होगा। एक दुरूद पढ़ते मौला की आजमत पर फकत शायर का तखय्युल नहीं है, दुआएं नुदबा के जुमले हैं, जाकर देखिएगा आखिरी दुआएं दुआएं नुदबा में क्या है, बेकासी ही वबेयदे है, खुदा हौज़े कौसर से सैराब कर उनके कासे से और उनके हाथ से, बेयदे रयन रवियन हनीअन साएगा, कैसी प्यास बुझा दे कैसा सैराब कर दे कि अब उसके बाद किसी को कोई प्यास नहीं रहती। हौज़े कौसर मिल जाए, साकिये कौसर का दीदार हो जाए तो मोमिन की कौन सी हसरत बाकी रह जाएगी। वो अमीनी, एक जुमला कहकर आगे बढ़ूंगा, वो अमीनी सारी जिंदगी अली की बिला फसल खिलाफत को साबित करने में गुजार दी। अली ने अजर ये दिया कि हौज़े कौसर बिला फसल अमीनी को पिला रहे हैं। वो अमीनी के जिनकी किताब अल गदीर की मौला की बारगाह में इतनी वक़्त, हर आलिम का तरीका होता है जब कोई किताब लिखते हैं तो इब्तिदा में एक एहदा लिखते हैं कि इस किताब के लिखने का सवाब मैं किसे हदिया कर रहा हूँ। अल्लामा अमीनी ने जब किताब अल गदीर को मुकम्मल कर लिया, दुनिया जहान से गदीर पर दलीलें उस किताब में जमा कर दी, अपनी सारी जिंदगी की मेहनत और काविश लगा दी, जब उस किताब अल गदीर का एहदा लिखा तो जानते हो क्या लिखा, फरमाया कि मैं अपनी इस किताब अल गदीर लिखने का सवाब, इस सवाब में हर उस मोमिन को शामिल कर रहा हूं कि जब भी दुरूद पड़े तो अज्जिल फरजहुम कहे। आले मोहम्मद अज्जिल फरजहुम, नहीं अजीज ऐसे नहीं, मिलकर बुलंद आवाज से एक दुरूद पढ़िए। महसूस कर रहे हैं, उलमा की ताकीद देखिए, किताबे अलगदीर लिखने के सवाब में शामिल हो जाएंगे अगर जबूर में ताजील की दुआ करें। जब भी दुरूद पढ़े आज इस फर्शे अज़ा से ये तोहफा लेकर उठिए, जब भी दुरूद पढ़ेंगे अज्जिल फरजहुम के साथ पढ़ेंगे और अलगदीर लिखने में मौला की विलायत के दिफा करने वालों में शामिल हो जाएंगे। तो एक तरफ उलमा की इतनी ताकीद, सारी जिंदगी की मेहनत के सवाब में शामिल करने को तैयार है उस मोमिन को कि जो जब भी दुरूद पढ़े ज़हूर हज़रत कायम में जल्दी की दुआ साथ में करे, अज्जिल फरजहुम यानी आले मोहम्मद की कुशाइश और उनकी आसानी में जल्दी फरमा। आले मोहम्मद की आसानी कैसे होगी, जब हज़रत कायम ज़हूर फरमाएंगे। एक तरफ इतनी ताकीद, दूसरी जानब इमाम फरमा रहे हैं कि गैबत तूलानी होगी, कितनी तूलानी के तमाम अंबिया की गैबतों की मुद्दतें जमा हो जाएंगी। ये चक्कर क्या है, ये बात क्या है, ये दोनों बातें जमा कैसे हो सकती हैं। तवज्जोहात मेरे साथ हैं, इस अहम अकायदी सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। नौजवान दोस्त खुसूसी तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ, तवज्जो कीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि जैद मरसिया खानी तक या सोज खानी तक मजलिस में नहीं आएगा, तवज्जो है, अगर मैं कहूं, मिसाल दे रहा हूं बच्चों नौजवानों के लिए ताकि इस अहम अकायदी सवाल का जवाब जहनों में उतार सकूं, अगर मैं कहूं कि जैद सोज खानी तक मजलिस में नहीं आएगा तो क्या इसका ये नतीजा निकलता है कि जैसे ही सोजखानी खत्म होगी फौरन आ जाएगा। तवज्जो कर रहे हैं, मेरी बात का नतीजा क्या होगा, जैद सोजखानी तक मजलिस में नहीं आएगा। ये किसी ने नहीं बताया कि जैसे ही सोजखानी मुकम्मल होगी जैद फौरन आ जाएगा, नहीं मालूम उसके बाद कितनी देर बाहर खड़ा रहे। तवज्जो कर रहे हैं ना, मैंने तो जैद कहा है, बात पहुंची किसी हद तक, थोड़ा और वाजे करता हूं। इमाम ने क्या फरमाया, हमारे कायम उस वक्त तक जुहूर नहीं फरमाएंगे
जब तक तमाम अंबिया की गैबतों की मुद्दतें न गुजार दें। इमाम ने ये नहीं बताया जैसे ही ये मुद्दतें मुकम्मल होंगी फौरन जहूर हो जाएगा। तवज्जो कर रहे हैं, अहम बात है, थोड़ी सी दिक्कत है। इमाम ने क्या बताया, जहूर न होने की कम तरीन मुद्दत इमाम ने बताई है, ज्यादा तरीन मुद्दत इमाम ने नहीं बताई। कम तरीन मुद्दत इमाम के गैबत में गुजारने की यह है कि जब तक वो तमाम अंबिया की गैबतों की मुद्दतें न गुजार लें जहूर नहीं फरमाएंगे। आया जैसे ही तमाम अंबिया की गैबतों के बराबर मुद्दत मुकम्मल हो जाए आया फौरन जहूर फरमा जाएंगे या नहीं अभी भी पर्दा गैब में वक्त गुजारेंगे, ये इरादा खुदाबंदी पे मुनहसर है। तवज्जो कर रहे हैं, जैसे ही तमाम अंबिया की गैबत की मुद्दतें गुजार ली, मैं कोई भी सनो साल, कोई अदद, कोई टाइम लिमिट मिसाल के तौर पर भी पेश नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये मौजू बहुत हसास है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी तवज्जो करें, दिक्कत करें, गौर करें और इस बात को, इस जवाब को यहां से लेकर इसे हल करके उठे। इमाम ने क्या बताया, गैबत की कम तरीन मुद्दत यह है, उस वक्त तक जहूर नहीं फरमाएंगे जब तक तमाम अंबिया की गैबतों की मुद्दतें न गुजार लें। लेकिन जैसे ही ये सारी मुद्दतें मुकम्मल हो जाएंगी आया फौरी तौर पर हजरत हुज्जत का जहूर हो जाएगा, नहीं ये इमाम ने नहीं बताया। ये इरादा खुदाबंदी पर मुनहसर है, ये वो अरसा है। अंबिया की मुद्दतें गुजारेंगे क्यों, क्योंकि तमाम अंबिया के वारिस हैं। लेकिन जैसे ही अंबिया की गैबतों की मुद्दतें मुकम्मल हो जाएंगी आया फौरन जहूर फरमा लेंगे या नहीं एक तवील अरसा गैबतों के बाद भी गुजारेंगे। तमाम अंबिया की गैबतों के बराबर मुद्दत गुजारने के बाद भी पर्दा गैब में तवील अरसा रहेंगे, ये इरादा खुदाबंदी पर मौकूफ है। ये वो अरसा है जहां मोमिन की दुआ काम करेगी, जहां चाहने वाले की तड़फ काम करेगी। आले मोहम्मद का चाहने वाला किस कदर अपने इमाम को याद कर रहा है, किस कदर खुदा से गिड़गिड़ा रहा है। दुआ कहते ही उसे है ना कि जो इरादा खुदाबंदी में तगय्युर का बायस बन जाए। अगर बात पहुंचा पाया हूँ किसी हद तक, जवाब पहुंचा पाया हूँ तो मिलकर एक दुरूद पढ़ दें, मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तक जो बात थी वो सुन्नत आम्मा में थी, यानी खुदा की वो सुन्नत और वो तरीक़ा कि जो कसीर अंबिया के साथ जारी रहा, जो वक्त के इमाम में भी जमा होगा। अब ज़रा बात को मुंतकिल करते हैं सुनने खासा की तरफ। हर हर नबी की वो ख़ास सुन्नतें, खुदा के वो ख़ास तरीक़े जो मुख्तलिफ अंबिया के साथ अलग रहे और वो सब के सब मेरे वक्त के इमाम में जमा हो जाएंगे। तवज्जो है, चौथे इमाम का फरमान, सरनामा कलाम में तिलावत कर रहा हूँ मुसलसल। रावी आता है, बारहवें का तज़किरा निकलता है और ये तज़किरा ऐसा था कि अइम्मा को भी ये जिक्र बड़ा पसंद था। यही वजह है कोई इमाम ऐसे नहीं है कि जिनसे हजरत कायम के बारे में अहादीस और फरमूदात नकल न हुए हों। अगर कोई आपसे पूछे कि दीन इस्लाम का वो अहम तरीन मौजू क्या है कि जिस पर हर इमाम ने लबकुशाई फरमाई है, जिस पर हर इमाम ने हमें कुछ ना कुछ बताया है, तो बिला झिझक कह दीजिएगा वो हजरत कायम का मौजू है। तवज्जो कर रहे हैं, हर इमाम ने कुछ ना कुछ बताया है। चौथे इमाम ने क्या बताया, रावी आता है, हजरत हुज्जत का तज़किरा छिड़ता है, चौथे इमाम फरमाते हैं फिल क़ाइम मिन्ना सुननुम मिन अंबियाल्लाह, हमारे क़ाइम में खुदा के मुख्तलिफ नबियों की सुन्नतें हैं। माना कौन से अंबिया की सुन्नतें हैं, फरमाया सुन्नतुम मिन आदमा व नूह। मेरे नौजवान दोस्त मेरे साथ अंबिया के नाम गिनिएगा, सुन्नतुम मिन आदमा व नूह, सुन्नतुम मिन इब्राहिम, सुन्नतुम मिन मूसा, सुन्नतुम मिन ईसा, सुन्नतुम मिन अय्यूब व सुन्नतुम मिन जद्दना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिह। اللهم صل على محمد وآل محمد। कितने अंबिया इमाम ने गिनवाए,
सात अंबिया। मौला आपने नबी बता दिए, किस नबी की कौन सी सुन्नत है। अब इमाम ने हर हर नबी की सुन्नतें बताना शुरू की। तवज्जो कीजिएगा, ये बातें, ये अंबिया की सुन्नत, ये अंबिया की हयात, ये उनकी सीरत, ये सब की सब दलील बनती है अकीदे महदवियत पर। ये सब की सब कुरान से दलीलें बन जाती हैं अकीदे गैबत पर। लिहाजा मेरे नौजवान दोस्त, ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। आजकल शुभात का दौर है, एतराजात का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। मेरे नौजवान दोस्त को इन दलीलों से लैस होना चाहिए। कुरान से अकीदे महदवियत पर दलीलें मेरे नौजवान दोस्तों के जहनों में होनी चाहिए। बुजुर्गान जानते हैं, तवज्जो है। मौला सात अंबिया आपने जिक्र किए, किस नबी की कौन सी सुन्नत। फरमाया अम्मा सुन्नतो अबीना आदमा व नूह, जहाँ तक बाबाए आदम और नबी अल्लाह नूह की सुन्नत की बात है, दो नबी हैं, एक सुन्नत इमाम जिक्र करेंगे। मौला कौन सी सुन्नत। फरमाते हैं फतूलुल उम्र, क्या उम्र का तवील होना। नबी अल्लाह आदम की उम्र क्या थी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन यह तय है कि उम्र बहुत तवील थी। नबी अल्लाह नूह की उम्र क्या थी, कोई भी जवाब दे सकता है। मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं, लेकिन तमाम मुसलमान जैसे ही नबी अल्लाह नूह की उम्र का तज़किरा सुनते हैं तो फौरन से कुरान की आयत जहन में आ जाती है, तिस्अमेअतिन व खम्सीन आमन औ यज़ीदून, सूरह नूह कुरान मजीद। वलकद अरसलना नूहन इला कौमिहिम फलबिथ फीहिम तिस्अमेअतिन व खम्सीन आमन, हमने नूह को उनकी कौम में भेजा, नूह ने अपनी कौम में तबलीग में कितनी ज़िंदगी गुजारी। कुरान कहता है 950 बरस, 950 साल कि जो कुरान ने ऑफिशियल अदद नकल किया। ये नबी अल्लाह नूह की उम्र नहीं है, ये नबी अल्लाह उम्र की, नबी अल्लाह नूह की उम्र का वो हिस्सा है जो आपने अपनी कौम में तबलीग करते हुए गुजारा। इसके बाद कश्ती बनाने का अरसा अलग है, तूफ़ान आने का अरसा अलग है, तूफ़ान के बाद मोमिनीन के साथ नई दुनिया बसाने का सिलसिला, ये अलग है। बाद रिवायात में नबी अल्लाह नूह की उम्र 1150 बरस भी आई, बाद में 1200 साढ़े 1200 बरस 100 बरस भी आई, लेकिन हम सबसे कम अदद लें जो कुरान ने लिखा 950 साल जो नूह ने अपनी कौम में गुजारे, जिसका इनकार कोई कुरान पर अकीदा रखने वाला शख्स नहीं कर सकता। वो खुदा के जो अपने अंबिया में से एक नबी, तवज्जो कीजिएगा, नूह नबी थे, किसके लिए नबी थे, किसकी हिदायत के लिए आए थे। कुरान कहता है वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। नूह बरगुजीदा नबी थे, बुलंद दर्जा रखने वाले नबियों में नूह का नाम आता है, मगर नूह को अगर मबऊस किया जा रहा है तो अपनी कौम की तरफ किया जा रहा है। हजरत कायम वो हैं कि रसूल फरमा गए यमलउल अर्द किस्तम व अदला, पूरी जमीन को अदलो इंसाफ से भरेंगे। जिसे अपनी कौम में मबऊस किया जा रहा हो, मुसलमान उसकी 950 बरस की उम्र मानने को तैयार है। जिसे सारी दुनिया की हिदायत के लिए भेजा जा रहा हो, अगर वो कई 100 साल बरस गुजार ले तो शक कैसा। एक जुमला कहूंगा, तमाम आलम इस्लाम का इत्तेफाक है, नबी अल्लाह नूह की उम्र बहुत तवील थी, कम तरीन अदद 950 साल जो खुद कुरान ने लिखा। एक जुमला कहकर आगे बढ़ूंगा, अंग्रेजी मुहावरा में तर्जुमा कह रहा हूं। कोई मुसलमान ऐसा तो नहीं है जो कुरान की आयत का इनकार कर सके। नबी अल्लाह नूह की तवील उम्र को सब मानते हैं, नबी अल्लाह ईसा की अब तक की जिंदगी को, अब तक जिंदा और हयात होने को सब मानते हैं, नबी अल्लाह खिज़र के अब तक हयात होने को सब मानते हैं। तो एक जुमला कहकर आगे बढ़ जाऊं कि जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते।
अब या तो किसी को खुदा की कुदरत में कोई शक है, तवज्जो कर रहे हैं, अगर नूह की तवील उम्र को तस्लीम कर रहे हैं तो हजरत कायम की तवील उम्र से कैसा इनकार। कल आपकी खिदमत में मौजू की इब्तिदा में एक हदीस पेश की थी, अगर याद हो तो रावी ने पूछा, ए मौला जनाब खिज़र को इतनी तूलानी उम्र क्यों मिली, क्या बताया? ताकि हमारे कायम की तवील उम्र पर दलील बन सके। तवज्जो कर रहे हैं, आदम और नूह की वो सुन्नत, खुदा का वो तरीका जो आदम और नूह पर जारी हुआ, जो हजरत कायम में भी जारी होगा, वो क्या है? उम्र का तवील होना। अब या नूह की तवील उम्र के भी मुनकर हो जाओ या हजरत कायम की तवील उम्र पर एतराज ना करो। बात पहुंच गई है तो एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐ मौला नबी अल्लाह आदम और नूह दो नबी एक सुन्नत वाज़े हो गई, मौला नबी अल्लाह इब्राहिम की क्या सुन्नत है? जवाब आया, अम्मा इब्राहिम फ़खिफ़ाउल विलादत वल इअतज़ाल अन्निनास। वहाँ दो अम्बिया की एक सुन्नत, यहाँ एक नबी की दो सुन्नतें कि जो खुदा ने नबी अल्लाह इब्राहिम को दी और हज़रत कायम में भी होंगी। कौन सी दो सुन्नतें? फरमाया ख़िफ़ाउल विलादा, पहली क्या? विलादत का पोशीदा होना। दूसरी वल इअतज़ाल अन्निनास, लोगों से किनारा कशी करना। हम सब ने हज़रत मूसा की विलादत के पोशीदा होने को तो सुना है, क्या नबी अल्लाह इब्राहिम की विलादत भी पोशीदा थी? तवज्जो है, नबी अल्लाह इब्राहिम, आलम इस्लाम की मुख्तलिफ तवारीख ने इस वाक़े को नकल किया, जब नबी अल्लाह इब्राहिम की विलादत का वक्त करीब आया। अब आइम्मा ने अम्बिया की ऐसी सुन्नतें हमें बताई जो हज़रत कायम में पाई जाती हैं। इमाम की मारिफत को में इजाफा करना है तो उन सुन्नतों को समझना पड़ेगा, और उन सुन्नतों को जानना है तो जिस नबी की सुन्नत है उस नबी की हयात पर गौर करना पड़ेगा ना अजीज़ों। तवज्जो है, इब्राहिम की कौन सी दो सुन्नतें? पहली सुन्नत खिफाउल विलादा, विलादत का पोशीदा होना। तवारीख़ इस्लाम लिखती है कि जब नबी अल्लाह इब्राहिम की विलादत का वक्त करीब आया तो उस वक्त के मुनज्जिम, मुनज्जिम कौन? नुजूमी, इल्म नुजूम का माहिर, कि जो सितारों के हरकात को देखकर हिसाब व किताब लगाकर मुस्तकबिल की ख़बरें जानने की कोशिश करते हैं, उस वक्त का नुजूमी कौन? हज़रत इब्राहिम का चचा आज़र अपने ज़माने के बादशाह नमरूद के पास आता है और कहता है कि ऐ बादशाह, मुझे सितारों के हिसाब से ये बात मालूम हुई है कि आपकी सल्तनत में एक ऐसे बच्चे की विलादत होने वाली है कि जो आपकी सल्तनत को तहोबाला कर देगा, जो आपके तख्त हुकूमत को पलट देगा। तवज्जो कर रहे हैं, नबी अल्लाह मूसा के वाक़े में भी तो कुछ ऐसा ही था, वहाँ जादूगरों ने इत्तला दी थी, यहाँ पर नजूमी बता रहा है। बस फ़र्क ये था, वहाँ मूसा के वाक़े में फ़िरऔन को आगाह करने वाले अफराद बाहर के थे, हज़रत इब्राहिम के वाक़े में घर का भेदी था, हज़रत इब्राहिम का चचा, क़ुरान ने ज़िक्र किया है आज़र, नजूमी था। फ़कत नजूमी नहीं था, बुत तराश भी था, बुत बनाया करता था। इसने नमरूद को ख़बर दी, इससे पहले कि यहाँ से बात को आगे बढ़ाऊँ, कैसे नबी अल्लाह इब्राहिम की विलादत पोशीदा रही और कैसे विलादत का पोशीदा होना खुदा की वो सुन्नत बनी जो मेरे वक्त के इमाम में भी जारी हुई, इससे पहले कि ये बात पेश करूँ यहाँ रुकना चाहूँगा। नुजूमी और इल्म नुजूम जानने वाला शख्स या सितारों के हिसाब किताब को देखकर लोगों का मुस्तकबिल बताना, यकीनन बड़ा अहम सवाल है ना लोगों के जहनों में, इसकी इस्लामी हैसियत क्या है, शरई और दीनी निगाह में इसकी क्या हैसियत है? चंद जुमले अर्ज करना चाहूँगा इल्म नुजूम के हवाले से, आले मोहम्मद का इस इल्म नुजूम पर मौक़िफ़ क्या था वो पेश करना चाहूँगा, फिर
दोबारा हज़रत इब्राहिम की सुन्नत पर आ जाऊँगा। अगर समात मुतवज्जे हैं आखिर तक तो मिलकर एक दुरूद पढ़ें, मोहम्मद वाले मोहम्मद। आले मोहम्मद का इल्म नुजूम के हवाले से अगर मौक़िफ़ सुनना है तो चंद रिवायात पेश करता हूँ। जंगे सिफीन, मौलाए कायनात की जंग किसके ख़िलाफ़ लड़ी सब जानते हैं। जब मौला जंगे सिफीन के लिए कूफा को छोड़ रहे थे तो एक शख्स मौला की बारगाह में आया, या अली मैं इल्म नुजूम में महारत रखता हूँ, मैं सितारों का इल्म रखता हूँ। मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया, तेरा इल्म तुझे क्या कह रहा है? कहने लगा, या अली मेरा हिसाब कह रहा है कि आपके सितारे गर्दिश में हैं। वो अली के जिसकी उंगलियों के इशारों से सितारे गर्दिश करें, उस अली को मशवरा देने आया, या अली आपके सितारे गर्दिश में हैं। मौला ने पूछा क्या देख रहा है? कहता है, या अली, तवज्जो कीजिएगा, दकीक इस्तिलाह है इल्मे नुजूम की, या अली मैं देख रहा हूं कि आपका सितारा शदीद तपिश में है, आपका सितारा आग से जल रहा है। या अली आप जंग पर न जाइए, आपको शिकस्त होगी। क्या खुदा के शेर को भी कभी शिकस्त होती है? मुस्कुराकर फरमाया, क्या तू इल्म नुजूम का हर हिसाब जानता है? कहने लगा, या अली महारत रखता हूँ। मौला ने पहले तो उसे उसके हिसाब व किताब में गलतियाँ बताई, फिर उसके बाद एक जुमला फरमाया, तवज्जो कीजिएगा, सुन ए नुजूमी, अली को कोई मशवरा नहीं दे सकता, ये जिस आग को तू देख रहा है, जिसे देखकर तू कह रहा है कि मेरा सितारा जल रहा है, सुन वो मेरे सितारे से निकलती हुई आग है जो हाकिम शाम के सितारों को जला देगी। तवज्जो कर रहे हैं? अइमा ने हमें बताया कि इल्म नुजूम बरहक है, यह इल्म दुरुस्त है, यह इल्म उन उलूम में से है कि जो खुदा ने अपनी हुज्जतों को अता किया, सितारों के हिसाब किताब का इल्म, इल्म बरहक है मगर हर कोई इसे हासिल नहीं कर सकता। रावी इमाम के पास आया, छठे इमाम के पास, मौला इल्म नुजूम हासिल करना कैसा है? अल्लाहु अकबर। मौला ने एक जुमला इरशाद फरमाया जो कानून है इल्म नुजूम के लिए, आले मोहम्मद का मौक़िफ़ इल्म नुजूम पर। मौला इल्म नुजूम सीखना कैसा है? मौला ने फरमाया, कतीरुहु ला युद्रक व कलीलुहु ला युन्फा। अल्लाहु अकबर, मैं क़ुरबान हो जाऊँ मौला के इस बलागत पर। फरमाते हैं इल्म नुजूम यानी क्या? सितारों का इल्म, यानि सितारों की हरकत को देखकर, सितारों की पोजिशनिंग को देखकर लोगों का मुस्तकबिल बताना। मौला ने बताया, तुम किसी सही खबर तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक कायनात के तमाम सितारों का इल्म तुम्हें न हो जाए। जब तक तमाम सितारों का इल्म, हर सितार कौन कौन से सितारे पूरी कायनात में और कौन सा सितारा कब किस जगह पर है, जब तक ये तमाम सितारों का इल्म न हो जाए तब तक तुम्हें तुम्हारा हिसाब व किताब कोई फ़ायदा नहीं देगा, हकीकत को नहीं पा सकोगे। कौन है कि जो दावा करे कि कायनात के तमाम सितारों का हिसाब व किताब रखता हूँ? फकत चंद नज़र आएंगे कि जो ये कहते नज़र आते हैं कि ये कायनात अली के सामने ऐसी है कि जैसी तुम्हारे सामने हाथ की हथेली। तवज्जो कर रहे हैं? तो इल्म नुजूम बरहक है लेकिन उन उलूम में से है जो खुदा की हुज्जतों से ख़ास है। इन हुज्जतों के गैर में इतनी ताकत नहीं है कि कायनात में मौजूद तमाम सितारों का हिसाब व किताब लगा सके, और जब तक तमाम का इल्म नहीं आ जाता तब तक इसके हिसाब व किताब का कोई फ़ायदा और मनफ़ात नहीं है। अगर ये मौक़िफ़े आले मोहम्मद वाज़े कर पाया हूँ तो एक दुरूद पढ़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो नुजूमियों ने नमरूद को खबर दी,
बच्चे की विलादत होगी जो आपके तख्त को उलट देगा। नमरूद ने वही हुक्म दिया जो फिरौन ने दिया था कि सल्तनत में हर नौमौलूद बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। रिवायत कहती है हज़रत इब्राहीम की वालिदा हामिला थी मगर हज़रत इब्राहीम की वालिदा पर हमल के आसार नहीं थे। वो खुदा की कुदरत है, वो कादर मुतलक है। जब विलादत इब्राहीम का वक्त करीब आया, तमाम मुसलमानों ने इसे तारीखों में लिखा, जब विलादत इब्राहीम का वक्त करीब आया तो हज़रत इब्राहीम की वालिदा एक गार में तशरीफ़ ले गई। अल्लाह अकबर, मुझे कहने दीजिए रुककर, वो खलील खुदा होता है कि जब विलादत का वक्त करीब आ जाए तो माँ घर से निकलकर गार की तरफ जाती हैं। वो शेर खुदा होता है कि जब विलादत का वक्त करीब आए तो माँ अपने घर से निकलकर खुदा के घर की तरफ जाती हैं। एक दुरूद पढ़े मौला की आज़मत पर। हज़रत इब्राहीम की वालदा गार की तरफ चली गई, गार में हज़रत इब्राहीम की विलादत हुई। विलादत के बाद इब्राहीम की वालदा ने उस गार के दहाने को पत्थरों से बंद किया और उस नौमौलूद बच्चे को खुदा के भरोसे छोड़कर शहर आ गई। रिवायत ये कहती है, तारीख ये कहती है, हज़रत इब्राहीम उसी गार में पल बढ़कर जवान हुए। जब जवान हो गए तब उस गार से बाहर तशरीफ लाए। सवाल उठे कि उस दौरान इब्राहीम रिज़्क कहाँ से पाते थे? वो खुदा के जो एक नौमौलूद को, एक जनीन को शिकम मादर में रिज़्क देता है, उसके लिए क्या अजब के वो एक नबी को गार में रिज़्क पहुँचाए। तो जब हज़रत इब्राहीम जवान हुए तब गार से बाहर तशरीफ़ लाए। नतीजा क्या हुआ? हज़रत इब्राहीम की विलादत हत्ता के कमसिनी भी आम इंसानों की आँखों से पोशीदा रही। वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है, अगर इजाज़त दें चंद दकीके हज़रत हुज्जत में खुदा ने सुन्नत को कैसे पूरा किया पेश करना चाहता हूँ रिवायत से। इजाज़त है तो एक दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले। हज़रत हुज्जत में सुन्नत, सुन्नत इब्राहीमी, खुदा की सुन्नत जो इब्राहीम पर जारी हुई, खिफाउल विलादा, विलादत का पोशीदा होना हज़रत हुज्जत में कैसे पूरी हुई? राविया हैं, कोई आम हस्ती नहीं, जनाब हकीमा। ये कौन है? ये नवे इमाम की दुख्तर हैं, दसवें इमाम की खाहर हैं, ग्यारहवें इमाम की फूफी हैं। अगर इनका मर्तबा एक जुमले में समझना हो तो यूँ कहिए कि इनका रिश्ता इमामत से वही है कि जो जनाब ज़ैनब का था। इनका रिश्ता इमामत से वही है जो जनाब फ़ातिमा मासूमा का था। ये जनाब हकीमा खातून रिवायत करती हैं कि 14वीं शाबान का दिन है, मेरे भतीजे इमाम हसन अस्करी 11वें इमाम ने पैगाम भेजा कि ऐ फूफी अम्मा, आज का इफ्तार आपने हमारे घर पे करना है। फरमाती है सामर्रा मुकद्दसा, मैं अपने भतीजे के घर पहुंची, मैं इफ्तार की गरज से पहुंची, घर में दाखिल हुई तो मेरे भतीजे 11वें इमाम ने मुझे बताया कि ऐ फूफी अम्मा, शबे नीमा शाबान, ऐ फूफी अम्मा आज वो रात है कि जब खुदा की आखिरी हुज्जत को बकियतुल्लाह को इस दुनिया में आना है। ऐ फूफी अम्मा आज की रात मेरे घर एक शहजादे की विलादत होनी है। जनाब हकीमा ने सवाल किया कि किस खातून से? क्यों? क्योंकि इमाम हसन अस्करी की अजवाज या कनीज़ों में कोई खातून ऐसी नहीं थी कि जिस पर हमल के आसार हो, सुन्नत इब्राहीमी पूरी हो रही है। बताया ए फूफी अम्मा, जनाब नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा को ये शरफ़ मिलने वाला है कि कायनात के निजात दहिंदे को इनकी गोद में आना है। अरब का एक दस्तूर था, मेरी माए बहनें भी सुन रही हैं, कि जब भी घर में, घर की कोई बड़ी खातून
घर में आती तो घर की जवान औरतें उनके एहतराम में उनकी जूतियों को उनके कदमों से उतारा करती थी। जनाब हकीमा कहती हैं, जब मुझे इस ख़बर का पता चला, मैं घर के सहन में दाखिल हुई, जनाब नरजिस आगे बढ़ी कि मेरी जूतियों को मेरे पैरों से जुदा करे, मैंने उन्हें रोक कर ख़ुद उनकी जूतियों की तरफ हाथ बढ़ा दिया कि अब आप मुझ समेत कायनात की औरतों की सरदार हो गई हैं। खुदा आपको वो शरफ़ दे रहा है जो अव्वलीन व आखिरीन में किसी को नहीं मिला। जनाब हकीमा कहती है, मैंने ऐशा की नमाज अदा की और कुछ देर आराम की गरज से बिस्तर पर चली गई। जब निसफ शब हुई, आधी रात हुई, मैं तहज्जुद की खातिर अपने बिस्तर से उठी तो मैंने जनाब नरजिस पर एक निगाह डाली। उस वक्त तक निसफ शब गुज़र चुकी है, अब तक हमल का कोई असर नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, फरमाती है, मेरे जहन में एक लम्हे को ख्याल आया कि शायद आज वो रात न हो। अभी ख्याल का आना था कि बराबर वाले हुजरे से 11वें सरकार की आवाज़ आई, ऐ फूफी अम्मा, अमरे खुदा में शक न कीजिएगा। फरमाया, मैं मुतमईन हो गई। कुछ देर गुजरी, मैंने देखा जनाब नरजिस अपनी जगह से उठी, वजू फरमाया, तहज्जुद के लिए मुसल्ले इबादत पर तशरीफ़ लाएं। फरमाया, मेरी निगाहें मुसलसल जनाब नरजिस पर ही थी, हमल का कोई असर नहीं था। शहज़ादी इबादत में मशगूल है, मैं भी अपनी इबादत में मशगूल हूँ। जब फजर का वक्त करीब आया, मैंने देखा कि जनाब नरजिस के चारों तरफ नूर का एक ऐसा हाला छा गया कि मेरी आंखें खीरा हो गईं, कुछ देखने से कासिर थी। कुछ देर तक नूर का वो हाला जनाब नरजिस के गिर्द बाकी रहा। जब नूर का वो हाला छट गया, मैंने देखा कि मादरे गिरामी भी सजदे में है और पहलू में एक नौमौलूद बच्चा भी सजदे में है। नौमौलूद बच्चा सजदे में है, खुदा की वहदानियत का इकरार कर रहा है, आखिरी नबी की नबूवत का इकरार कर रहा है, और फिर एक जुमला कहता है, अशहदु अन्ना जद्दी अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मेरे जद अमीरुल मोमिनीन खुदा के वली हैं। यहाँ तक कि एक एक इमाम की इमामत की गवाही देता जाता है। वो नौमौलूद बच्चा है, अभी चंद लम्हों की उम्र है, सजदे खुदा में है। यहाँ तक के फरमाता है कि मेरा बाबा भी इमाम है, वह अशहद अन्नी हुज्जतुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मैं भी खुदा की हुज्जत हूं। आले मोहम्मद के चाहने वालों, मिंबर से पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि आले मोहम्मद का जहूर नहीं, विलादत होती। हमें इमाम की मारिफत उनसे ज़्यादा नहीं है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल न किया करें। इमाम ने ख़ुद अपने लिए लफ्ज़ विलादत इस्तेमाल किया, मगर एक दूसरा पैगाम भी दे रहा हूँ, आधी बात सुन के ना उठना। इमाम ने ख़ुद अपने लिए लफ्ज़ विलादत इस्तेमाल किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कज फहम कम इल्म ये समझे कि हमारी और उनकी विलादत यकसां है। तवज्जो कर रहे हैं, विलादत उनकी भी होती है, विलादत हमारी भी होती है, मगर फर्क यह है कि जब हमारी विलादत हो तो विलादत के बाद हमारी माँ मुसल्ला इबादत पर नहीं जा सकती। उनकी विलादत वो होती है कि विलादत के बाद माँ और बच्चा दोनों सजदाए खुदाबंदी अंजाम देता है। अगर बात पहुंच गई, एक दुरूद पढ़ें आले मोहम्मद के आदम। तो ये हजरत इब्राहिम पर जारी करदा खुदा की सुन्नत, विलादत का पोशीदा होना, आथार विलादत का ना आना, वो सुन्नत जो मेरे वक्त के इमाम में भी जारी हुई। रिवायत आगे भी बढ़ती है मगर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। हजरत इब्राहिम पर खुदा की जारी करदा दूसरी सुन्नत, ये जो हजरत कायम में भी जारी होगी, यहाँ से कल इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ होगा। बस अजीज़ों, चंद जुमले मसाइब के बहुत मुख्तसर, बहुत वक्त लिया आपका, आपने बड़े सब्र से सुना। शब जुमा है वो रात कि जो सैयद शहदा
मौला आका अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की ज़ियारत से मंसूब है। खुदा हमें दुनिया में आका की ज़ियारत और आखिरत में मौला की शफाअत से महरूम न रखे। शबे जुमा है, एक वाकया मसाइब में अर्ज़ करूँगा जिसे जितनी तौफीक नसीब हो जाए, जिसकी आँखों में जितने आंसू सज जाएँ, उन्हीं आंसुओं के साथ अपनी सारी तवज्जो को आका हुसैन की तरफ कीजिएगा, करबला का रुख कीजिएगा, मौला की बारगाह में उन्हीं आंसुओं को सजा कर सलाम पेश कर दीजिएगा। शेख अब्बास सफ़ा एक ज़ाकिरे अहले बैत ख़तीब मिंबर कहता है कि मैं एक काफिले के साथ आका हुसैन की ज़ियारत को निकला। जब हम करबला के नज़दीक पहुँचे तो थक कर चूर हो चुके थे, सब जाए बहुत शिकस्ता तन शिकस्ता बदन हो चुके थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आज शबे जुमा है, आज आराम न करो, कुछ देर और थकावट को बर्दाश्त करो, असीरान हरम की थकावट को याद करो, कुछ दूर और चल लो, शबे जुमा हुसैन की ज़ियारत मिल जाएगी। सब काफ़िले वालों ने इकरार किया, हमने बड़ी कोशिश की और शबे जुमा आका हुसैन के हरम पहुंच गए। अल्लाहु अकबर, खुदा हमें भी शबे जुमा हुसैन की ज़ियारत नसीब कर। कहते हैं शबे जुमा जब हम हुसैन की ज़ियारत को पहुंचे तो हर हर ज़ायर बहुत शिकस्ता तन था, लेकिन हुसैन के इश्क से सरशार था। जब वहाँ पहुँचे तो किसी ने कहा, ए मुल्ला अब्बास, हुसैन की बारगाह है, शबे जुमा है, क्यों ना कोई मरसिया पढ़ दो। कहते हैं मैंने मरसिया पढ़ने के लिए अपने दफ्तर को खोला, मैंने सोचा जो मरसिया निकलेगा वो पढ़ दूँगा, बहुत थका हुआ हूँ, शिकस्ता तन हूँ। कहा मैंने मरसिए के लिए दफ्तर को खोला, सामने हुसैन के कड़ियल जवान अली अकबर का मरसिया। शबे जुमा थी, हुसैन की ज़रिए अकदस थी, वो ज़री के जिसमें पाई थी हुसैन के अली अकबर जवान की कब्र है। शबे जुमा रोज़े हुसैन अली अकबर का मरसिया, गिरिया कैसे ना होता, मातम कैसे ना होता, आप सुन के रो रहे हैं, ज़रा सोचिए वो ज़ायद जो शबे जुमा वहाँ करबला में थे, जो हुसैन के मेहमान थे, अली अकबर का मरसिया पढ़ा जा रहा था, कैसे ना रोते। मुल्ला अब्बास कहते हैं खूब गिरिया हुआ, खूब मातम हुआ, जब मातम कर लिया, गिरिया कर लिया, ज़ियारत कर ली, थक के चूर हो गए हम, आका के हरम से निकले और अपने मुसाफिर खाने आ गए। मुसाफिर खाने आते ही हर ज़ायर आराम की गरज से लेट गया, सो गया, नींद आ गई। कहते हैं मुझे भी नींद आ गई, आलम ख्वाब में मैंने देखा कि मेरे मुसाफिर खाने का हुजरा अचानक दूर से मुनव्वर हो रहा है। मैंने देखा कि जैसे ही मेरे हुजरे में नूर फैला, अचानक कोई हस्ती है मेरे हुजरे में दाखिल हुई। मुल्ला अब्बास कहते हैं मैं पहचान ना पाया कौन था। मैं कहूँगा है मुल्ला अब्बास, अगर ज़रा गौर करता तो तुझे चेहरे पे खून मला हुआ नज़र आ जाता, तुझे दामन पर खून नज़र आ जाता, तुझे आस्तीनों से खून टपकता हुआ नज़र आ जाता, तुझे झुकी हुई कब्र नज़र आ जाती। कहते आने वाले ने मुझे मुखातिब किया और एक जुमला कहा, ए मुल्ला अब्बास, तुम मेरी ज़ियारत को आए हो, मैंने तुम्हारी ज़ियारत को कबूल किया। ए मुल्ला अब्बास, मन ज़ारनी भी हयाते ज़ुरतहू बादा ममाते, मुल्ला अब्बास जो अपनी ज़िंदगी में मुझ हुसैन की ज़ियारत को आता है ना, मैं उसकी मौत के बाद उसकी ज़ियारत को आता हूँ। मैं हुसैन किसी का एहसास नहीं रखता, अजरकुम अल्लाह। ए मुल्ला अब्बास, तुम आए तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी ज़ियारत की तुम्हारा शुक्रिया, मैं हुसैन तुम्हें महशर में तन्हा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ऐ मुल्ला अब्बास मैं तेरे लिए तीन पैगाम लाया हूँ।
पहला पैगाम, ए मुल्ला अब्बास जब वतन वापस जाना तो वो जो हुसैनिया है, वो जो अज़ा खाना है, वहाँ एक बूढ़ा शख्स है जो कोई खिदमत करने के काबिल नहीं है, कोई ताकत नहीं है उसके बदन में, फ़कत मेरे अज़ादारों की जूतियाँ सीधी करता है। ए हुसैन, ए मुल्ला अब्बास जाकर उसे मेरा पैगाम देना कि तेरे आका हुसैन ने तुझे सलाम कहा। ए नौजवानों, जब भी अज़ा खाने की खिदमत करना फ़कत हुसैन को नज़रों में रख के करना, फ़कत जहरा के लाल से अजर मांगना, पूरे खुलूस से करना। मुल्ला अब्बास ने हाथ जोड़ के अर्ज़ की, मौला दूसरा पैगाम। ए मुल्ला अब्बास, मेरा दूसरा पैगाम मेरे तमाम चाहने वालों के लिए है। मौला पैगाम क्या है? फरमाया, ए मुल्ला अब्बास जब वतन लौटना मेरे तमाम शीहों से कहना कि शीअती महमा शरब तुम मा अदबिन फदकुरूनी। ए मेरे चाहने वालों, जब ठंडा पानी पीना तो मुझ हुसैन की प्यास को याद करना। औ समिअतुम बिशहीदिन औ गरीबिन फंदुबूनी। ए मेरे चाहने वालों, जब किसी गरीब उलवतन का तज़किरा सुनना तो मुझ हुसैन पर रोना। लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंज़ुरूनी। ए मेरे शीओ, काश तुम रोज़े आशूर करबला में होते तो देखते, क्या देखते? कैफ़ा तश्की लतफ़ली फ़अबौ यरहमूनी। ए शीओ, तुम होते तो देखते कैसे ज़हरा का गरीब बेटा अपने शिशमाहे के लिए पानी मांग रहा। शबे जुमा है, अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे। मुल्ला अब्बास ने हाथों को जोड़ लिया, आंखों से आंसू जारी है। मौला तीसरा पैगाम। फरमाया है मुल्ला अब्बास, तीसरा पैगाम यह है कि तुम शबे जुमा मेरी ज़ियारत को आए थे, आज शबे जुमा थी। ऐ मुल्ला अब्बास, शबे जुमा मेरी माँ फातिमा ज़हरा अर्शे बरी से मेरी ज़ियारत को आती है। ऐ मुल्ला अब्बास, आइंदा शबे जुमा मेरी जरी के किनारे अली अकबर का बरसिया न पड़ना, मेरी माँ फातिमा ज़हरा बर्दाश्त नहीं कर। أجركم على الله أجركم على الزهراء ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون بار إله تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ آقا حسین کی مظلومیت کا बार इलाहा इन आंसुओं को कल्ब नाज़नीन मादर हुसैन के लिए मरहम का बाइस करार दे। बार इलाहा, शबे जुमा है, शबे ज़ियारत इमाम हुसैन है, शबे दुआ है, शबे दुरूद है। बार इलाहा, इस फर्श अज़ा पर बैठ कर तुझसे दुआ करते हैं। बार इलाहा, हाथों को फैला कर तेरी बारगाह में दुआ करते हैं। बार इलाहा, तुझे हुसैन का वास्ता देकर दुआ करते हैं। हमें दुनिया में बार बार आका की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में मौला की शफ़ात नसीब फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात फर्श अज़ा पे तशरीफ फरमा है, दिल में जो हाजतें लिए बैठे हैं कि तमाम हाजतों को पूरा फरमा। बार इलाह, जो मोमिनीन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बार इलाह, दुनिया में जहाँ कहीं अज़ादारान सैयदुश्शुहदा आबाद हैं उन्हें हर बला और हर वबा से महफूज फरमा। बार इलाह, तमाम मुसलमानान आलम की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। बार इलाह, सबसे बड़ी दुआ सबसे बड़ी आरज़ू, मुंजिए बशर मुंतक़िम करबला फ़र्ज़ंद ज़हरा क़ायम आल मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा, और हमें उनके ख़ास आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक सूरह